नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर कश्यप नजर इंडिया से आज मैं गाजीपुर का फिर एक बार अवगत कराना चाहूंगा विकास के कार्यों का। आज हमारे बीच राजेंद्र प्रसाद गाजी जी हैं, जो गाजीपुर के विकास के बारे में अगले सप्ताह जो बताया, और मैं विकास के ही बारे में आज फिर इनसे साथ चर्चा कुछ करूंगा। गाजी जी नमस्कार, मैं आज इस सप्ताह में फिर आपसे आया हूँ मिलने, और जो भी विकास हो शहर का और जिले का, जो जनता का हित का हो, और उसके बारे में हम थोड़ा हम सोचते हैं कि मार्गदर्शन बन के आप जनता के बीच में कुछ हमको बताएं आप। लाल बहादुर जी, आपका स्वागत है। रही विकास की बात, सिंचाई विभाग चौराहा से कचहरी मोड़ तक और महुआ बाग चौराहे से आर आर कॉलेज आम घाट तक वन वे का टेंडर हुआ था। एस्टीमेट बना वन वे का, जिसका उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी ने किया था। कागज में विकास के नाम पे वन वे रोड था, लेकिन मौके पे अगर देखा जाए तो मनोज सिन्हा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, वन वे रोड नहीं बना। वन वे रोड का जो डिवाइडर का पैसा था वो विनोद अग्रवाल जी के पॉकेट में, उनके विकास में लगा। आखिर में इतना बड़ा इल्जाम आप नगर पालिका चेयरमैन पर लगा रहे हैं, क्या उसकी क्या आपके पास कोई है प्रूफ जी क्या? हाँ, मेरे पास उसकी प्रूफ है। उनका टेंडर जो निकाले थे, टेंडर कॉपी मेरे पास है, और मनोज सिन्हा जी ने उद्घाटन किया था, उसका निमंत्रण कार्ड भी मेरे पास है। आपने ये जो नगर का जो ये विकास की बात जो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। नगर पालिका क्षेत्र में जो किसी सांसद ने इतनी बड़ी काम करके जाते हैं और किसी ने उसको विनाश करने का काम करते हैं। तो जब तक आप हमारे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, आज जम्मू कश्मीर के एलजी हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से उनको भी कुछ संदेश देना चाहते हैं। जी हाँ, मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष के नाम पे जाने जा रहे हैं, लेकिन उनके विकास में पलीता लगाने का काम विनोद कुमार अग्रवाल ने किया है। 3,03,000 वोट पा करके मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री हो गए। 4,50,000 वोट पा के मनोज सिन्हा जी हार गए। इसका कारण क्या है? मनोज सिन्हा जी कभी अगर शांति मन से सोचें तो मालूम होगा कि नगर पालिका क्षेत्र में मनोज सिन्हा जी को वोट नहीं हुआ। उसका कारण विनोद कुमार अग्रवाल जी हैं, जो मनोज सिन्हा जी से धन लेकर के अपने पॉकेट में डालते रहे, नगर की विकास नहीं किए। जनता में विनोद कुमार अग्रवाल चुनाव के समय में जाकर के मनोज सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे, ताकि मनोज सिन्हा जी हार जाएं और उनके दिए हुए बजट की जानकारी इंक्वायरी इसके ना हो कारण पाए। क्या था गाजी जी, इसके कारण क्या था हराने के लिए? एक चीज, जो आदमी, जो व्यक्ति नगरपालिका चेयरमैन था, आज उसकी पत्नी चेयरमैन है, जो अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सकता, वो नगर का विकास क्या करेगा? बाप दादा की संपत्ति से अपने भाइयों को अलग कर दिए, जो आज के डेट में किराए के मकान में रहते, उस मकान को काबिज कर लिया। ये अपने कहता है गजानन जी का हम परिवार के हैं। बाबू गजानन जी हिंदुस्तान में एक मानिंद व्यक्तियों के लिस्ट में नाम आता है, सुल्तान सेनानी थे, लेकिन मकान पे जिसमें विनोद कुमार अग्रवाल आज रह रहे हैं, उस पे नारायण दास और बाबू गजानन जी का नाम दर्ज था। विनोद कुमार अग्रवाल चेयरमैन बनते ही उस मकान पर से जो है बाबू गजानंद जी का नाम कटवा दिए, उनके वारिसों का नाम नहीं उसमें डाले। उनके नाम पे जो है लंका में बाग 8 बीघे का है, बाबू गजानंद और नारायण दास के नाम पे। विनोद कुमार अग्रवाल गाजी जी, ये तो पारिवारिक मैटर हमको समझ में आता है। अगर हम अपने प्रतिनिधियों की बात करते हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि जो हैं अफजाल अंसारी हैं। अब थोड़ा अफजाल अंसारी का भी कुछ हम सोचते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से उनको भी बताएं कि आपके कार्यों का क्या जायजा, गाजीपुर में क्या विकास है। हाँ, अब आप कर रहे हैं तो आजादी के बाद से आज तक सत्ता में एक दो पांच एमपी सांसद रहे हैं,
जिसमें दो बार बसर साहब रहे हैं, एक बार प्रथम नहीं, वर्तमान समय जो प्रतिनिधि हमारे जिले के अंदर है, हम भी काल में नहीं जाना चाहते हैं। हम बता रहे वर्तमान समय जो हमारे सांसद हैं अफजाल अंसारी, माननीय अफजाल अंसारी, जो सांसद की चुनाव जीतने के बाद गाजीपुर जनता से दूर हो गए, और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं तो वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, आते हैं तो भाई वही होता है। मैं उनके बारे में, हम सोचते हैं कि आप उनको एक संज्ञान दें कि गाजीपुर की जनता के बारे में क्या सोच रही है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि जब से भाई अफजाल अंसारी जी सांसद दोबारा हुए हैं, जनता के बीच से गायब हो गए। गायब होने का कारण है कि सरकार उनकी पार्टी की नहीं है, और वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है उनके परिवार के पीछे पड़ी है। और भाई अफजाल गाजी जी जो अपराधी होंगे तो भाई सरकार जो अपने नजरिया से तो काम करेगा। अपराधी सिर्फ विरोधी पार्टी में है, सत्ता में अपराधी नहीं है। सत्ता के अपराधियों क्यों नहीं जोगी जी या मोदी जी या बीजेपी सरकार दंडित कर रही है या गोली मरवा रही है? उनके मकानों क्यों नहीं गिरवा रही है? विपक्ष के लोगों गिरवा रही है, विपक्ष में ही अपराधी हैं। हम तो अभी पूछना चाहते हैं सरकार से। और एक हमारे नगर की और जिला की विधायक हैं श्रीमती संगीता बलवन जी, उनके कार्यों के बारे में कुछ हमको आईना दिखाएं और जनता को आईना दिखाएं। अरे, जो हर चुनाव लड़ने के बाद उस चुनाव को छोड़ के भागता है, अपने जो प्रतिनिधि कहता है उसको प्रतिनिधि हम नहीं कहते हैं। वो भगेड़ू है, भगेड़ू रहेगी, उसकी बात छोड़। 2022 में क्या रहेगा? 2022 में अगर जनता विवेक सोच के काम करेगी, इनके अफवाह में, इनके स्लोगन में नहीं फंसेगी, तो इन लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा। हम लोग संगीता बलवंत जी से कभी मीडिया के माध्यम से हम लोग मिलना भी चाहते हैं, वो मिलने से इनकार कर देती है। और इस चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा अपने नगर के जिला के विधायक को कि कम से कम 2022 में जो चुनाव आ रही है, इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए नगर में अगर एक बार भी आप चेहरा झलक दिखाई होती तो नगर के लोग आपसे बहुत खुश होते हैं। लेकिन केवल आप चुनाव में वोट मांगने के लिए आए, जब चुनाव जीतने के बाद आप अंदर ऐसे अंडरग्राउंड हो गई कि जो अपनी जनता जो से ऐसे अपने परिवार से लोग अनाथ हो जाते हैं, ऐसे गाजीपुर की जनता अनाथ हो गई। आज हमारे बीच में गाजीपुर के प्रतिनिधि श्री गाजी जी आज हमारे बीच में बैठे हुए थे। आज प्रतिनिधियों के बारे में कुछ बातें बताया जो अब तक हम लोग को संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब जनता सुनेगी और जनता देखेगी कि हमारे प्रतिनिधि जो जिला के अंदर अगर विकास करते हैं तो समाज के साथ रहेंगे, अगर विनाश करते हैं तो समाज से बाहर हो जाएंगे। नजर इंडिया न्यूज गाजीपुर, मैं लाल बहादुर कश्यप।